धर्म की राह पर चलने वाले भक्तों, आपका स्पिरिचुअल इलाहाबादिया में स्वागत है। गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत ही पास आ गई है। महाराष्ट्र से निकलते हुए अब यह उत्सव, गणेश जी का उत्सव, पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। बहुत संभव है कि आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपकी सड़क, आपके प्रदेश में इस उत्सव की तैयारी भक्त लोग तेजी से कर ले रहे हों। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश पूजन जो होता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है, कई दिनों तक चलता है, उसका वर्णन इस पोस्ट में हम करेंगे। न केवल उस चतुर्थी और महोत्सव के पीछे के कारणों का जानेंगे, बल्कि साथ में एक और नाम भी है इस चतुर्थी का, उसके बारे में भी कथा जानेंगे। यानी कि दो कथाएं हम इस पोस्ट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि पोस्ट में बने रहिएगा अंत तक। अगर ये कथाएं आपके लिए नई है तो आपके ज्ञान को, आपके भक्ति मार्ग पर एक नई जानकारी देंगे, और अगर आपके लिए ये कथाएं सुनी हुई हैं तो उस कथाओं को हमारा ये पोस्ट पुष्टि करेगा। आइए चलते हैं अपनी इस यात्रा में। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश पूजो महोत्सव होता है और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने से पूर्व विधिवत पुजारियों द्वारा गणेश जी का पूजन होता है। इसी दिन डंडा चौथ भी मनाते हैं। गणेश पूजन होता है और गुल्ली डंडा बजाकर लोगों से चंदा लिया जाता है। इस दिन चंद्रमा देखने से भगवान कृष्ण को कलंकित होना पड़ा था, ये वो दूसरी कथा है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, इसलिए इसका नाम पथरवा चौक भी है। आइए जानते हैं कि कथा क्या है। एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी, उस समय कोई सखी उनके पास ना थी, इसलिए उन्होंने अपने मैल से गणेश जी को बनाकर उन्हें द्वार पर खड़ा कर दिया और आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर ना आने देना। भगवान शंकर के ज़माने में घरों में कोई आज के तरह से मॉडर्न बाथरूम तो होता नहीं था कि दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अंदर आप जो करें कोई नहीं दिखेगा। उस समय ना ही कोई बाथरूम की व्यवस्था रही होगी, ना ही कोई वॉशरूम की व्यवस्था रही होगी, इसलिए कोई एक निश्चित स्थान पर महिलाएं स्नान करती रही होंगी और वहां पर कोई पुरुष, दूसरा पुरुष, अनजान पुरुष ना आ जाए, इसलिए सखी आदि को बैठाती रही होंगी। यहां कोई सखी नहीं थी, इसलिए पार्वती जी ने अपने मैल से, सक्षम हैं वो, सब तरह से सब कुछ कर सकती हैं, भक्तों का उद्धार कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने एक संपूर्ण पुत्र को ही जीवित कर दिया, जान दे दी, जिसे गणेश जी के नाम से हम आज जानते हैं। माता की आज्ञा सुनकर गणेश जी अपना डंडा लेकर द्वार पर खड़े हो गए। स्वाभाविक है, पुत्र है तो माँ की आज्ञा का पालन करना है। थोड़ी देर में भगवान भोले भंडारी, शिव जी कहीं से भ्रमण करते हुए, किसी भक्तों से मिलते हुए, देवताओं से मिलते हुए, उनका उद्धार करते हुए घर आए, और जब घर आए तो स्वाभाविक है कि वो घर के भीतर जाएंगे। जब वो प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, अंदर आने की आज्ञा नहीं है, ऐसा माता जी ने कहा है। अब देखिए, जिस समय गणेश जी को माता पार्वती ने रचा था, उस समय
शंकर भगवान घर में नहीं थे, इसलिए ना ही शंकर जी को पता है कि कोई एक पुत्र वहाँ पर आ गया है उनके घर में उनकी अनुपस्थित में, और ना ही गणेश जी को पता है कि उनके पिता शंकर जी हैं। आइए वापस लौटते हैं। गणेश जी के वचन को सुनकर भगवान ने कहा, हे मूर्ख, निषेधाज्ञा का अर्थ यह नहीं होता कि घर के स्वामी को घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अन्य जाने अनजाने पुरुषों को घर के भीतर प्रवेश मत दो। यदि आपकी माताजी का यह आशय नहीं है तो आप जाकर अपनी माताजी से पूछ लो। इस पर गणेश जी ने कहा, व्यर्थ की बात है, मैं ना तो भीतर पूछने ही जाऊंगा और ना ही किसी को प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। जब तक माताजी यहां आकर स्वयं मुझे नहीं हटाएंगी, तब तक मैं किसी को भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर तो भगवान शंकर और गणेश जी के बीच कहा सुनी हो रही थी और उधर पार्वती जी स्नान आदि करके पूजा में बैठ गईं। उनने के मन में शायद यह बात विस्मित हो गई था कि उन्होंने गणेश जी को निषेधाज्ञा देकर द्वार पर खड़ा कर रखा है। और इधर फिर बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि क्रोधित होकर भोले भंडारी ने गणेश जी का सिर उतार दिया। सिर उतारने के बाद वे अंदर प्रवेश करते हैं और पार्वती जी को देखकर उनसे कहते हैं, आज तुमने ऐसे दुष्ट को द्वार पर खड़ा कर रखा था जो तुम्हारी आज्ञा के बिना मुझे भी भीतर प्रविष्ट होने से रोक रहा था, इसलिए मैंने उस दुष्ट का शरीर से सिर उतार दिया। शिव जी के वाक्यों को सुनकर पार्वती जी दुखी होकर बोली, भगवान यह आपने अच्छा नहीं किया, जो उस अबोध बालक की बातों में आकर उसका सिर ही उतार दिया, अतः कृपा करके उसे न केवल नवजीवन दें बल्कि ऐसे मातृभक्त को सर्वोपरि पूजनीय बनाने की भी कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर सब जीवों पर दया करने वाले भोले भंडारी भगवान शंकर ने गणेश जी को नया जीवन दे दिया और उसके बाद उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती तेरे पुत्र को मैंने न केवल नवजीवन ही दिया है अपितु उसके हाथी जैसे मस्तक लगाते हुए उसे सब देवों में प्रथम पूजनी भी बना दिया है, अतः आज से जो भी कार्यक्रम में गणेश जी का नाम लिया जाएगा वह विघ्नों से रहित होकर सब प्रकार से पूरा होगा, इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। अब आइए दूसरी कथा को जानते हैं, पथरवा चौथ की कथा को। यह कथा शिव और पार्वती से संबंधित नहीं है बल्कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। उनके काल में एक ससेन जीत यादव हुआ करते थे जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करके उनसे सिद्धपाता समयांतक मणि प्राप्त की थी। वह नित्य उसे अपने गले में धारण किए रखते थे। जाहिर है बड़ी मेहनत से किसी चीज़ को कोई प्राप्त करता है तो वो उसके लिए प्रिय रहता है, इसलिए ससेन जीत भी उन्हें अपने गले में धारण किए रहते थे। एक दिन वो इस मणि को धारण करके भगवान कृष्ण की सभा में चले गए। वहाँ उसे कई यादवों ने देखा तो इस मणि को भगवान कृष्ण को समर्पण कर देने के लिए कहा, परंतु उसने ये बात यूं ही कहा सुनी में टाल दी। एक दिन उसका भाई प्रसेनजीत यानी कि ससेनजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को लेकर जंगल में शिकार खेलने चला गया। वहाँ उसे एक शेर ने मार दिया। जब कई दिन तक प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा तो ससेनजीत ने श्री कृष्ण को ही दोषी ठहरा दिया और कहा कि मणि के लिए उन्होंने
प्रसेनजीत को मार दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा चिंता हुई और अपने ऊपर लगे इस आरोप को, जो कि निश्चित रूप से बिला वजह था, उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, इस आरोप को हटाने के लिए वो प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए जंगल में निकले। कई दिन चलने के बाद उन्हें एक कंकाल मिला और उस कंकाल के बाद शेर के पैरों के निशान भी थे, जिसका पीछा उन्होंने किया और उस शेर के पैरों के निशान को का पीछा करते हुए वे एक गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर लड़की उस मड़ी से खेल रही है। वह लड़की और कुछ नहीं जामवंती थी, जो कि जामवंत जी की पुत्री थी। जामवंत जी वही हैं जो भगवान राम के समय उनको रावण के ऊपर विजय करने के लिए उनके साथ लंका गए थे। खैर, मणि को देखने के बाद उन्होंने, यानी कि कृष्ण जी ने जामवंत से प्रार्थना की और कहा कि ये मणि उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि ये मणि किसी और की है, पर जामवंत जी ने मना कर दिया। जिसके बाद जामवंत जी और कृष्ण जी के बीच एक भयंकर मल्लयुद्ध हुआ और उस मल्लयुद्ध में अंत में कृष्ण जी विजय हुए। हरि थे, हरि के अवतार थे, उन्हें ही विजय होना था। पर जब जामवंत जी हार गए तो उन्होंने अपनी सुंदर कन्या जामवंती को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसके बाद जामवंती को लेकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी लौट आए और सभा में ससेनजीत को बुलाया गया। उन्हें मणि के साथ जो पूरी घटना हुई थी, उस घटना का ब्यौरा दिया गया और मणि उन्हें सौंप दी गई। इस घटना से ससेनजीत बहुत ही लज्जित हुए। उन्होंने अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और समय चक्र मणि उसे गहने के रूप में प्रदान कर दी। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है, उनको भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चांद को देखने पर कोई दोष नहीं लगता है। तो ये रही दो कथाएं जो गणेश चतुर्थी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप इन कथाओं से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस पोस्ट में आए तो इसे लाइक भी करें अगर आपको ये पसंद आई हो, साथ ही घंटे को भी, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी पोस्टों की सूचना आप तक पहुंच जाया करे। और अगर आपका मन करे हमारी इस यात्रा में जुड़ने का, तो आप उस यात्रा में जुड़ सकें। सादर।